स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर आ गया हूँ चंडीगढ़ के फेमस छतबीड़ जू, और मैं आपको यहाँ के सारे जानवर दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ यहाँ की टिकट प्राइस, टाइमिंग, लोकेशन, यहाँ तक कैसे आ सकते हैं, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ इस जगह के फुल टूर के साथ। तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। तो छतबीड़ जू की लोकेशन ये सामने छतबीड़ जू रोड है, और इस वक्त हम छत चंडीगढ़ में हैं, और इधर से इस जू की एंट्री है। तो ये आप 79 नंबर की बस लेके आ सकते हैं छतबीड़ जू तक। अगर आप सेक्टर 17-18 के बस स्टैंड से यहाँ तक आते हैं तो 35 रुपये आपके लगेंगे यहाँ तक आने के। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। इस जू के अंदर आते ही आपको इस जू की पार्किंग भी दिख जाएगी, और ये पार्किंग के सारे रेट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। स्कूटर मोटरसाइकिल के 10 रुपये, थ्री व्हीलर के 20 रुपये, बसेस, ट्रक्स, मिनी ट्रक्स, ट्रैक्टर ट्रॉली के 100 रुपये। जू के अंदर आते ही आपको ये सबसे पहले फाउंटेन सा दिखेगा, उसके बाद यहाँ सामने लिखा हुआ है महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क। और अंदर जाने से पहले आपको टिकट लेनी पड़ेगी, टिकट काउंटर यहाँ सामने है। तो ये सामने है टिकट काउंटर, अगर आपने ऑफलाइन टिकट लेनी है तो उसके ये प्राइस वगैरह लिखे हुए हैं यहाँ पे। अडल्ट अबव 12 ईयर्स के 100 रुपये के चार्जेज हैं, चिल्ड्रन 3 से लेकर 12 साल के 50 रुपये, जो 3 साल से कम के हैं उनकी एंट्री यहाँ बिल्कुल फ्री है। कैमरा या वीडियो कैमरा जैसे DSLR कैमरा अगर आप लेके आते हैं उसके 500 रुपये के चार्जेस हैं, और डिफरेंटली एबल्ड की टिकट यहाँ बिल्कुल फ्री है। ये जू हर मंडे के दिन बंद रहता है, और इनकी टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक होती है। यहाँ ये लिखा है कि जो एनिमल्स हैं उनके इंक्लोजर्स को 5 बजे के बाद बंद करना शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि 5 बजे के बाद एनिमल्स देखने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। और इसके अलावा यहाँ पे डायनासोर पार्क, बर्ड एवियरी, वाइल्ड लाइफ सफारी और कैंटीन के क्लोजिंग टाइम भी लिखा है, जो भी 5 बजे के ही है। गाइज इसके अलावा आप ऑनलाइन भी टिकट ले सकते हैं छतबीड़zoo.government.in की वेबसाइट पे जाके। तो यहाँ पे क्लोक रूम यानी गठरी घर, और यहाँ पे अपना बैग यहाँ पे रख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और बट इसका 10 रुपये आपको सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा। जो आप बैग वापस लेके जब जाएंगे तो आपको वो 10 रुपये वापस मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि पे ₹30 एक्स्ट्रा फॉर ईच प्लास्टिक वाटर बॉटल एट एंट्री गेट एंड गेट रिफंड ₹30 एट एंट्री गेट। जब वापसी में लेके आएंगे वो टोकन वगैरह आपको मिलेगा एम्प्टी वाटर बॉटल का, और फिर रिफंड ₹30 का मिल जाएगा। ऐसे ही पॉलीथीन प्लास्टिक जू के अंदर अलाउड नहीं है, बट ड्रिंकिंग वाटर अलाउड है। जू के टिकट काउंटर के पीछे आपको एक सेल्फी पॉइंट सा भी दिख जाएगा, ये चील सी बनी हुई है, इसके साथ भी आप फोटो क्लिक करवा सकते हैं। छतबीड़ जू JLPL महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क। तो ये हमने जू की टिकट ले लिया है 100 रुपये की टिकट। चलिए अंदर चलते हैं, जू के एंट्री कर रहे हैं हम। पीछे लिखा है वेलकम टू छतबीड़ जू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, इधर फोटो क्लिक करवा सकते हैं आप। तो ये जू काफ़ी बड़ा है, तो बेटर है आप ये बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल से ये जू को घूमें, गर्मी भी काफ़ी है तो बेटर है इसी से घूमें। और इसके जो चार्ज हैं ये लिखे हुए हैं यहाँ पे, अडल्ट अबव 12 ईयर्स के 60 रुपये के चार्जेस हैं, चिल्ड्रन 3 से लेकर 12 साल के 60 रुपये, और बिलो 3 ईयर्स के फ्री हैं। और ये जो टिकट है ये एक राउंड के लिए ही वैलिड है जू के, इधर से आपको टिकट लेनी होगी फिर वहाँ सामने आपको दिख जाएगी। तो ये है वो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल जिससे आप सारा जू घूम सकते हैं, बेटर रहेगा आप इसी पे सारा जू घूमें। तो छतबीड़ जू बहुत ही बड़ा जू है, बहुत ही बड़ा जू। यहाँ पे मंकी कम्प्लेक्स है, टाइगर कम्प्लेक्स, हिप्पो कम्प्लेक्स, एमू कम्प्लेक्स, एलिफेंट, लॉयन सफारी भी आप यहाँ कर सकते हैं, लेपर्ड कम्प्लेक्स भी है, कैट कम्प्लेक्स, फेजेंट, स्मॉल डियर, डियर सफारी भी है यहाँ पे, जीब्रा भी है, स्वैम्प डियर भी है। धीरे धीरे करके आपको यहाँ का सारा जू दिखा देता हूँ। डायनासोर पार्क भी आपको बीच में मिल जाएगा जू के। स्टार्टिंग में आपको एक पीकॉक सा दिखेगा, इसे वेस्ट मटेरियल से बनाया गया, इसके साथ भी फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं, ऐसे कई सेल्फी पॉइंट दिख जाएंगे आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेगा घड़ियाल, देखते हैं कहाँ पे घड़ियाल है। तो आप सामने पीछे देख सकते हैं पूरा घड़ियाल, इस एरिया में 2 घड़ियाल हैं, एक तो वो पीछे है, और इसका मुँह देख सकते हैं आगे की तरफ से कितना पतला सा है। तो गाइस हम आ गए हैं बाघ रॉयल बंगाल टाइगर के पिंजरे के पास में, पिंजरा मतलब एक बहुत बड़ा सा एक एरिया सा है, वो देखे दिख रहा है बाघ। वे ऊपर चढ़ रहे के ऊपर चढ़ रहे, और ओए भाई साइज कितना है इसकी, लेंथ देखो कितनी है, 8 फुट होगा आई थिंक। और ये डुबकी मार ली इसने, सो गया अंदर। Thank you.
आपको पीने के लिए ठंडा पानी भी मिल जाएगा जगह जगह पे। तो असल में गैस यहाँ पे वाइट टाइगर भी है, ये रहा वाइट टाइगर पीछे, मुझे लगा होगा नहीं बट वाइट टाइगर भी आपको देखने को मिल जाएगा छतबीर जू में। वो देखिए उठ गया। स्टार्टिंग में आपको ये स्वैंस भी दिख जाएंगे, देखिए कितनी ज़्यादा स्वैंस है। अभी आवाज़ करेंगे देखने का, बहुत बड़ी लेक है, स्टार्टिंग में दिखेगी आपको ये। तो बंदर ही आपको काफ़ी ज़्यादा देखेंगे स्टार्टिंग में, पिक टेल्ड बंदर भी है, लॉयन टेल्ड बंदर भी है, बोनट बंदर भी है, बहुत अलग अलग टाइप के बंदर हैं यहाँ पे। पूंछ सुअर जैसी होती है, देख रहा है कैसे मेरी तरफ। आगे ये लंगूर बैठा हुआ है। ओए हेलो हेलो हेलो, यहाँ पे बोनट बंदर दिखेगा, ये वाला बोनट बंदर है। पूछल कितनी लंबी है इस वाले की। अब आगे है रीसस बंदर, वो अंदर बैठे हुए हैं। अंदर भी एक अलग एरिया होती है इनके, कुछ कुछ बाहर होते हैं, कुछ कुछ अंदर होते हैं। क्या हुआ वे, इसका मुंह देखो कितना बड़ा। वे वे क्या बोल रहे हैं, आउट ऑफ बाउंड है। तो ये देखिए यहाँ पे हिरण खुले में घूमते हैं आप, तो इधर आप ये जूस मिल्क टी वगैरह भी पी सकते हैं, और लस्सी कोल्ड ड्रिंक एनर्जी ड्रिंक भी है, पॉपकॉर्न स्वीट कॉर्न सब मिल जाएगा आपको। लॉयन सफारी कैंटीन है ये, पास्ता मैगी ग्रिल्ड सैंडविच भी है। तो यहाँ पे आप लॉयन और डियर सफारी भी कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी। इसका 75 रुपये पर पर्सन चार्ज है, नो टिकट फॉर चिल्ड्रन बिलो 3 ईयर एज। तो ये मैंने टिकट ले ली है लॉयन और डियर सफारी की। ये जू बस लेके जाएगी आपको, देखिए शीशों पे कैसे लगाया गया इसको। चलिए चलते हैं डियर सफारी लॉयन सफारी करने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे डबल गेट लगे हुए हैं, खोल दिया गया, 8 गेट खुला और ये दूसरा खोल दिया। अब हम लॉयन के एरिया के अंदर आ गए हैं। पूरा देखिए सामने लॉयन, डियर के एरिया के अंदर जाएंगे। ज़्यादा हिरणा देख सकते हैं, तो हमने ये लॉयन और डियर सफारी देख ली, और मुझे तो ऐसा लगा जैसे हम पिंजरे में आ गए और वो खुले में है। एक्चुअली वो खुद भी पिंजरे में, बहुत बड़ा वाला हिरण काफ़ी ज़्यादा थे और शेर दो ही मिले। हिरण तो इतने थे मेरे जैसे ज़िंदगी में इतने हिरण नहीं देखे होंगे। तो यहाँ आपको हिप्पो देखने को मिल जाएगा, बट इस एरिया के अंदर आने दे नहीं रहे, ये झूले वगैरह भी झूल सकते हैं। इस एरिया में शायद कुछ दिख रहा है वाइट वाइट से आगे, वो है वाइट बक, यानी ब्लैक बक होता है ना, पूरा ब्लैक रंग का होता है, कुछ उस टाइप से वाइट बक होता है ये। आ जाओ। छोटा हिरन भी है वाइट रंग का। तो ये सामने उधर तीन तीन इंडियन एलिफेंट है, इंडियन हाथी। इधर ये भी दिखाया गया कि कौन से जगह को ये हाथी वगैरह मिलते हैं। ये देखिए हाथी, ये रहा पीछे, तीन तीन हाथी पानी पी रहे हैं।
वो गर्मी लग रही है तो शरीर को गीला कर रहा है सूंड से हाथी। ये हाइना, इनको एक तो ढूंढना भी पड़ता है पहले कहाँ पे है हाइना। बिल्कुल नीचे और एकदम से कैमोफ्लाज सा हो रहा है। कान कितने बड़े हैं इसके। तो यहाँ पे इंडियन वुल्फ भी देखने को मिल जाएगी, यानी भेड़िया, पूरा पीछे भेड़िया सो के बैठा पीछे। यहाँ पे इंडियन वाइल्ड डॉग भी देख सकते हैं, वो बिल्कुल ये भेड़िया जैसा लगता लेकिन इसका कलर काफ़ी ज़्यादा ब्राउन सा होता। ये वाइल्ड डॉग है। अब सामने यहाँ पे है पैंथर, तेंदुआ, लेपर्ड। अभी ये जैगुआर भी है आगे। जैगुआर अभी तो कहीं दिख रहा है नहीं, देखते हैं मिल रहा है या नहीं मिलता। मैंने आपको तेंदुआ दिखा दिया, अब कैट्स सिवेट्स दिखाते हैं, बिल्लियाँ वगैरह। एशियन पाम सिवेट कैट। और अब आगे है जंगल कैट। तो अब हम आपको ले चलते हैं छतबीड़ डायनासोर्स पार्क। यहाँ पे आपको मतलब असली तो नहीं नकली डायनासोर के देखने को मिलेंगे, बट ऐसा लगे जैसे असली डायनासोर है। और इसकी जो भी टिकट है वो आपके टिकट प्राइस में इंक्लूड है, जो आपने स्टार्टिंग में ली थी टिकट उसी में इंक्लूड है। लेकिन लायन और डियर सफारी के लिए टिकट उतनी है। ये हम जा रहे हैं डायनासोर पार्क के एरिया में। स्केलेटन बना बहुत बड़ा। सबसे पहले आपको ये डायनासोर एक्स दिखेंगे, और पीछे लैंड क्रूजर मतलब डायनो मूवी नहीं होती जुरासिक पार्क में वैसे देखने को मिलती है। और ये डायनासोर के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखी है, कौन कौन से डायनासोर थे, कौन से सबसे खतरनाक थे, कौन सी एज में ये आए, कौन से रीजन में कौन कौन से पाए जाते थे डायनासोर। ये देखिए ऐसा लग रहा है स्केलेटन मिला डायनासोर का। हर तरीके से डायनासोर पार्क को अच्छे से बनाया, ये नहीं कि बस डायनासोर ही देखने को मिलेंगे। ये क्या बोल बोल भैया। क्या होगा आगे, कुछ भी नहीं है, नहीं है कुछ भी नहीं है। बाहर निकलने का रास्ता था क्या। ये कौन सा डायनासोर है, डिलोफोसॉरस। वे ये क्या, ये रोबोटिक डायनासोर लग रहा है मेरे को। संभल संभल के चलो, कहीं से भी डायनासोर आ सकता। ये अंडे पड़े हुए डायनासोर का। इधर से कोर एरिया बनाई हुई है ऊपर जाने की, देखते हैं ऊपर क्या कुछ देखने को मिलता हमें। तो इस वाले एरिया में फ्लाइंग डायनासोर देखने को मिलेंगे। अच्छा एग्स में भी मूव कर रहे हैं। के अंडे के बाहर भी निकल के फोटो क्लिक करवा सकते हैं आप। और आगे छोटे दिल वाले लोग ना ही आए लिखा। ये एक और एरिया बनाई हुई है डायनासोर के अंडे में से अपना मुंह निकाल के फोटो क्लिक करवाने की। सामने का रास्ता कुछ इस टाइप से है, ऊपर को जाना, देखते हैं ऊपर क्या कुछ देखने को मिलता है। तो ऊपर यहाँ में सबसे बड़ा डायनासोर देखने को मिला, इसका नाम है ममेंची सोरस। वो देख कितना पीछे तक है, और अंडे भी हैं इसके नीचे। नीचे की तरफ चलते हैं।
एक केव शायद। इस केव के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। ये टीरेक्स है देखिए। लास्ट में एक ये डायनासोर का झूला बनाया हुआ, देखिए मुंह किस तरफ है इसका। इधर से जाएं और किसी भी तरह से नीचे आ जाएं। झूला सब बनाया हुआ है, डायनासोर पार्क है बिल्कुल लास्ट में। ये इंडियन ब्लैक बियर है। ये देखिए भालू कितना बड़ा है। इधर एक वॉक इन अवेरी भी है, आप अवेरी के अंदर जा सकते हैं, लेकिन इसका टाइम 4 बजे बंद हो जाती है। अवेरी लिखा है 4 बजे। और डायनासोर पार्क का भी सही से एक्सपीरियंस आप नहीं कर पाएंगे अगर आप 5 बजे आते हैं, 4 बजे वो भी बंद हो जाएगा। यहाँ आगे है चिट्टा मोर। इस तरफ यहाँ पे सारस क्रेन, सारस क्रेन के 2 पिंजरे हैं। हवा में उड़ता ज़्यादा सही लगता है। ये मछली खा रहा शायद, पता नहीं। ये घड़ियाल है ना, ये घड़ियाल है। ये दूसरी कैंटीन है, ये शैलो लेक कैंटीन। इधर भी वही सब चीज़ें मिलती हैं खाने के, फ्रूट बेस्ड सॉफ्ट बेवरेजेस, चाय कॉफ़ी सैंडविच नूडल्स वगैरह। रेट लिखे हुए हैं, पढ़ सकते हैं। क्लोजिंग टाइम 4 PM, बट खुले हुआ अभी। ये कलीज फेजेंट, सिल्वर फेजेंट, गोल्डन फेजेंट, सब कई टाइप के फेजेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये है रोज़ रिंग्ड पैराकीट, तोते वगैरह हैं, आम तोते जो आसमान में उड़ते हैं वही सब है यहाँ पे। ये देखिए सारस कितना पास आ गया। तो इस तरफ यहाँ पे कुछ बतके हैं, ये देखिए अलग अलग टाइप की बतके हैं, सो रही हैं सभी सब। ये देखिए एक और है, साइज कितना बड़ा है इनका। गौर को इंडियन बायसन भी बोलते हैं। क्या हुआ? तो यहाँ पे एक रेप्टाइल हाउस भी है, रेप्टाइल हाउस। ये 4:45 PM पे बंद हो जाता है। अजगर और लिजर्ड्स वगैरह कई रेप्टाइल्स आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ। रेप्टाइल हाउस अब मतलब बहुत छोटा ही है, बहुत बड़ा भी नहीं है। ये कुछ ही जानवर देखने को मिलेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं ऊद बिलाव ऑटर। ये मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा, ऑटर, ऑटर हाउस है ये। और ये क्या बिल्ली, बिल्ली। तो ऑटर ना स्विम करते इसके अंदर भी आता है ना, तो बड़ा यूनिक दिखता है, स्मूथ इंडियन ऑटर। लेकिन अभी वो पीछे ना गर्मी के होने के कारण ना पीछे सो रहा है। इस बिल्ली को मत देखिए, पीछे है ऑटर। बाकी यहाँ पीछे एक नॉकटर्नल हाउस भी है, बट वो बंद पड़ा है।
इसमें आपको उल्लू और कुछ टाइप के खतरनाक पंछी देखने को मिलेंगे, बट वो बंद है अभी। तो अब लास्ट में यहाँ पे है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल वहाँ पीछे है। तो हमने सारा छतबीड जू देख लिया है, और आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आपने नहीं किया तो।